हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे होममेड नमकीन, जो हम बनाएंगे पोहे से और मुरमुरे से। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पोहा और मुरमुरे की नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गैस पर रख देंगे, और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी हम इसमें डालेंगे 2 कप मुरमुरे। हम ये नमकीन बनाने के लिए बहुत ही लेस ऑयल का इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए हम मुरमुरे को ड्राई रोस्ट करेंगे। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम ही रखना है और मुरमुरे को हम लगातार चलाते रहेंगे। मुरमुरे भुनने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा और ये अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं और मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। वापस से सेम कढ़ाई में हम पोहा भी रोस्ट कर लेंगे। 2 कप मुरमुरे लिए थे और 2 कप ही हम पोहा ले रहे हैं। ये मैंने थोड़ा सा मोटा वाला पोहा इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास मोटा वाला पोहा नहीं है तो आप जो भी नॉर्मल पोहा, जिससे कि हम पोहा बनाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, आप वही वाला पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे रोस्ट करने में भी हमें लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। इसे भी हम लगातार चलाते हुए लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। और ये देखिए, पोहा भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अच्छे से क्रिस्प हो गया है। मैं इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। वापस से हम सेम कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। कढ़ाई हमारी ऑलरेडी गर्म है और अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा अब हम इसमें रोस्ट करेंगे मूंगफली। आप चाहें तो मूंगफली को भी ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 कप मूंगफली, और मूंगफली को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनकर के तैयार होती है और घर में रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इसे बना सकते हैं। ये नमकीन बनाना भी बहुत ही आसान है। आप इसे 1 से 1.5 महीने के लिए किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऑयल अच्छा गर्म था तो मूंगफली जल्दी से रोस्ट हो गई है। करीब 1.5 मिनट का समय लगा है मूंगफली रोस्ट करने में, और अब हम इसे भी एक प्लेट पर निकाल लेंगे। कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है और तेल भी गर्म है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून राई के दाने। हमें तेल इसमें और ऐड नहीं करना है। और जैसे ही राई के दाने चटकने लग जाएंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे करी पत्ता। करी पत्ता हमने ऑलरेडी वॉश करके उसे अच्छे से सुखा लिया था, और ये मैं इसमें काफ़ी सारा करी पत्ता डालने वाली हूँ। करी पत्ता से इस नमकीन का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। करी पत्ता अच्छा सा क्रिस्प हो जाएगा, और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, और साथ में ये 2-3 हरी मिर्च में डाल रही हूँ जिसको हमने बारीक बारीक काट लिया था। इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। देखिए, करी पत्ता जो है वो क्रिस्पी होने लग चुका है। ये नमकीन खट्टा, मीठा और हल्का सा तीखा बनता है। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो हमने ऑलरेडी रोस्ट करके रखे थे। पोहा, मुरमुरे और मूंगफली को जो हमने रोस्ट करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और चाट मसाला डालेंगे 1/2 टेबलस्पून। आप इसकी जगह आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम लगभग 5 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी नहीं है तो आप इसकी जगह बूरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, और ये हमारी होममेड नमकीन बनकर के तैयार हो गई है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार इसे खाएंगे तो आपका मन ही नहीं करेगा कि आप रुकें, आप इसे लगातार बस खाते ही जाएंगे। और मार्केट से कहीं बेहतर बनती है ये नमकीन। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप इसे ठंडा करके
किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, 1 से 1.5 महीने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। मैं आपके लिए और भी मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।